एक मिनट चले जाओ। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब, अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप लोग। भाई आज हम लोग एक ऐसा काम करने वाले हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोगों ने किया है, क्योंकि मैं हर व्लॉग में बोलता हूँ ना कि ऐसा काम करने वाले हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं कि मुस्कान भाई ये क्या बात हो यार, मतलब आप चौड़े हो रहे हो। आज हम लोग करने वाले हैं 3 अदद टर्की ज़िब्बा, मतलब हम जो पिछले व्लॉग में लेकर आए थे टर्की, आज उनका वक्त खत्म हो चुका है और आज हो चुका है ज़िब्बा का वक्त। लेकिन यार एक बात है, दुनिया में ये काम तो बहुत सारे लोगों ने करा, लेकिन आपने तो लाइन लगा दी एक के बाद एक, कब रुकोगे भाई। ओसामा भाई मैंने आपको बताया ना, एक होता है कसाई, एक होता है कसाई प्रो, आपका भाई है कसाई प्रो मैक्स। अगर इस तरह चलता रहा ना तो एक दिन मैं आपको भी निमटा दूंगा। बिस्मिल्लाह। वैसे उसामा भाई आपका गोश्त भी बड़ा मजेदार होगा, मतलब मैं काट कर खाऊंगा, आपका कबाब बनेगा, आपका ना टिक्का बनेगा, क्या मजा आएगा यार। अच्छा लगेगा, अपने दोस्त को या कुर्बान कर दो। देखो आप वैसे किसी काम के हो नहीं, शादी हो गई, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हंसी कुश्ती लाइफ में खुशी बोला भी नहीं जा रहा, कुश्ती मेरी बेगम मुझसे बिल्कुल काम नहीं करवाती। रुको जरा, सबर करो, सिर्फ बाथरूम साफ करता हूँ मैं तो क्या हुआ। मैं भी ज्यादा काम नहीं करता, बर्तन धोता हूँ बस। देखो झाड़ू लगाना तो मुझे खुद पसंद है, क्योंकि मुझे अपने हाथ की झाड़ू ना बड़ी अच्छी लगती है। असल में दिन भर वो कुछ काम करती नहीं है तो इतनी थक जाती है, मैं सर दबा देता हूँ। मुद्दे पे आते हैं, अभी मैं खड़ा हूँ उसामा भाई के छत पे। इस छत पे इंशाल्लाह हम लोग बनाने वाले हैं बड़ा सा मास्टर केज। ये जो आप छोटे छोटे केज देख रहे हो ना, ये अभी ऊंचे होने वाले हैं, मतलब बहुत ही वीआईपी सेटअप होने वाला है। उसामा भाई के पास है बड़ा खतरनाक किस्म का कुत्ता। भाई भौंक के दिखाओ। कुत्ते और बिल्ली की दोस्ती। अबे दोस्ती, दोनों साथ रह रहे हैं। हाँ। यार ये मार रही ना इसको। नहीं नहीं, ये फ्रेंडशिप है। लेकिन यार एक बात समझ नहीं आ रही, कुत्ता काला है बिल्ली गोरी। यार मिस्काल भाई, ये ब्लैक और आप ब्लैक दोनों सेम सेम लग रहे हो। उसामा भाई टाइम हमारे पास बहुत कम है, हमारे पास है 3 अदद टर्की, तो बस काम निमटाते हैं फटाफट, ज़िब्बा करते हैं। और ये टर्की बड़े बड़े हैं, वो वाले नहीं है, छोटे टर्की इतने से निकले थे। आप बड़ा माल मार के लेकर आए हो, जरा दीदार कराए आवाम को। माशाल्लाह से आप चेक करें कितने खूबसूरत किस्म के टर्की हैं। आपके भाई को ना ज़िब्बा करने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, लेकिन ये एक भाई ने हमें गिफ्ट किया है, फरीद भाई हमारे बहुत प्यारे भाई, तो उन्होंने कहा कि आवाम को टर्की की दावत करनी चाहिए। तो भाई ये फीमेल है और ये मेल है। अच्छा पहले मैं तो बोल रहा हूँ, पहले इनमें से दो मर्द औरत को हलाल करते हैं। दो मर्द है, एक औरत है। ये वाला मर्द है, वो औरत है, और मर्द दूसरा कहाँ है? ये वाला सफेद वाला मर्द। देखिए पहले से कहते साफ सुथरे होगा। आप लोग भी बताएं कि हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मास्टर केज, तो यहाँ पर कौन कौन से जानवर रखे, कौन कौन से परिंदे रखे, और आप लोगों को कौन से परिंदे ज्यादा पसंद है। अबे दोनों टर्की बाहर आ गए, अबे ये बड्डा शुरू, बड्डा शुरू, बड्डा शुरू, बड्डा शुरू। वैसे वो वाला कितना बड़ा है माशाल्लाह से यार, कितना खूबसूरत है भाई। यहाँ पर चलिए टर्कियों की WWE चल रही है भाई। ये जॉन सीना और ये रोमन रीन्स आ गया भाई। औरत सही है, दो मर्दों को लड़ा के औरत सुकून में पड़ी हुई है, ऑडियंस बनी हुई है, और दो मर्द बेचारे लड़ रहे हैं। इससे पहले लड़ लड़ के खुद अपने आप को ज़िब्बा कर दें। माशाल्लाह भाई बहुत मजबूत किस्म के टर्की हैं, और ये सबसे छोटी है, लेकिन ये भी काफी ज्यादा हेवी लग रही है। चले भाई, कसाई अल्ट्रा प्रो मैक्स रेडी हो चुका है, वो भी 1 TB वाला। भाई कसाई ज़िब्बा होने से पहले पीता है चाय। अब वो सारे कसाई को, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तीनों टर्की को एक साथ निमटा देते हैं। हाँ भाई कसाई के लौंडे तैयार है? बिल्कुल सर तैयार के लिए। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सामा भाई कह रहे थे मादी को ज़िब्बा करो, लेकिन हमने कहा सबसे पहले हम नर को ज़िब्बा कर देते। चलो भाई कसाई के असिस्टेंट आ जाओ फटाफट। अबे उस्ताद ये तो बहुत ज्यादा जानदार है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। मरने के बाद भी उछल रहा है, तो पूरी छत में खूनम खून कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह एक टर्की तो ज़िब्बा हो गया, अब दो बाकी हैं। ये चले भाई मिश्कात भाई, ये आप करेंगे अकेले ज़िब्बा, एक मैंने आपको करके दिखा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 2 टर्की ज़िब्बा हो चुके हैं, और आप लोग माशाल्लाह से साइज चेक करें कितना बड़ा साइज है। भाई हमारे तीनों टर्की बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पकने के लिए, और उसामा भाई जो है ना तीनों टर्की लेकर आ चुके हैं, और इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं, और कल दावत का सीन है, इसलिए हमें पहुंचाना है इसको बंस रोड, वहां पर इंशाल्लाह स्टीम होगा, और स्टीम होने के बाद कल इंशाल्लाह होगा बहुत बड़ा प्लेटर। फाइनली हम लोग अपने टर्की को लेकर आ चुके हैं प्लेटर हाउस में, और इंशाल्लाह यहाँ से हम बनाएंगे प्लेटर। ये टर्की भाई ने ना रास्ते में पेशाब कर दिया, पूरा का पूरा गीला कर दिया उस्ताद। चलो भाई टर्की भाई जल्दी जल्दी फ्रीजर में चले जाओ, इससे पहले तुम लोग खराब हो जाओ। भाई जन कहाँ रखनी है? ये इधर, ये फ्रीजर के अंदर। अरे यार ये फ्रीजर देख के मुझे कुछ याद आ गया, मेरा प्यारा सा बबलू इस फ्रीजर के अंदर गया था उसामा भाई। मेरा बबलू भाई इधर आओ यार, भाई जान मेरा बबलू इसमें गया था यार। चाचा मेरा बबलू इसमें था। खैर पेट में ही गया है ना? पेट में ही निकल गया।
तो भाई फाइनली हम लोग अपने टर्की भाइयों को लेकर आ चुके हैं इस फ्रीजर के अंदर डालने, और यहाँ पर इंशाल्लाह आज रात ये लोग करेंगे आराम। चले भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये हमारी फीमेल प्यारी सी टर्की भाई, टर्की बहन सॉरी, ये आ चुकी है। ये हमारा आ चुका है सबसे बड़ा वाला टर्की। ओ भाई साहब यहाँ पर रख दिया भाई। और ये रहा लास्ट वाला टर्की। आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसमें कुछ बाल वाले, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ के जो भाई है ना वो इंशाल्लाह इसकी सफाई कर देंगे। कल इंशाल्लाह दावत होने वाली है, तो भाई मिलते हैं कल। तो भाई फाइनली हम लोग आ चुके हैं कैटल पैराडाइज में, और आज होने वाली है ग्रैंड दावत। आहा भाई यहाँ पर आके ना बकरा ईद की यादें आ रही है, माशाल्लाह से। आप चेक करें अंदर जानवर ही जानवर। लेकिन भाई आज मैं आपको जानवर नहीं दिखाऊंगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में यहाँ पर आकर आपको प्रॉपर जानवर दिखाऊंगा कि बकरा ईद की तैयारियां क्या चल रही है और किस लेवल की चल रही है। तो भाई आज बहुत सारे एडवेंचर होने वाले हैं। आज आपका भाई बैठेगा इंशाल्लाह बुल के ऊपर। भाई आपको सबसे पहले मैं मेहमानों के तारुफ करा देता हूँ। ये हमारी पूरी पलटन बैठी हुई है माशाल्लाह से, और यहाँ पर फुल खाते पीते घराने के लोग मालूम हो रहे हैं। कुछ इसमें सूखे सूखे ये चेक करें, ये सूखी मुर्गी है थोड़ी सी। ये माशाल्लाह चेक करो बड़ी मुर्गी। हाँ भाई क्या हाल है, क्या खाने आए हो तुम? थालिया खा रहा हूँ फिलहाल अभी तो। अबे टर्की खाने आए हो तुम, टर्की आदमी। ये हमारे माशाल्लाह चूला, अरे मेरा चूला। और ये हमारे बैठे हैं बाबर भाई। मतलब जैसी मैं शॉर्ट इनके मुंह पे लाया, इन्होंने फौरन चश्मा पहन लिया। इस चश्मे में क्या खास बात है? ओ भाई साहब। और हमारे बहुत ही प्यारे ओसामा भाई। भाई जल्दी से पकवा दो, ठरक खत्म नहीं हो रही है। अगर आपकी ठरक खत्म नहीं हो रही तो बराबर में मौलवी साहब बैठे हैं, वो आपका निकाह पढ़ा देंगे, ठरक खत्म हो जाएगी। ये मौलवी साहब बैठे हैं फरीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। और भाई आप लोगों के सबसे ज्यादा फेवरेट भाई हमारे शेफ भाई, वो भी आने वाले हैं। फरीद भाई माशाल्लाह से आपके जानवर यहाँ पर इतने बड़े बड़े हैं, और आज आपका भाई बैठेगा बड़े से बुल पर। आप तो बड़े बड़े चैलेंज करते हैं, बड़े बड़े एडवेंचर्स करते हैं। हमें उल्टे उल्टे काम करने का दिल चाहता है। कोई चैलेंज दिया जाए फिर आपको? चैलेंज दे दे। चलो फिर बतख का कच्चा अंडा खा के दिखाया। अरे वो तो आपके भाई का बाएं हाथ का खेल है, वैसे अंडा है कहाँ पर? सुनते हैं ढूंढना भी आपको ही है। बस सही है, हाइड एंड सीक हो गया। ओसामा भाई अंडा ढूंढो फटाफट। अबे अंडा मिल गया। ये बत्तख का अंडा है जी हाँ, ब्राउन कलर का अंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तोड़ूंगा तुम्हारे सर पे? तोड़ू सर पे तोड़ दो। टूट रहा है भाई। ये आप चेक करो, ये है अंडा लाइव, और ये आपका भाई। मैंने क्या बोला था, ये बच्चों वाला चैलेंज, आप कोई हाथी वाती का अंडा लेकर आओ। चलो एक और अंडा भी ढूंढो। क्या एक और भी ढूंढो सामा भाई? ये चेक करो, ये है मुर्गी का अंडा। ओ भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें मुर्गी का अंडा, और ये आपका भाई। जल्लाद है भाई। टेस्ट कैसा था मिश्कात भाई? यार टेस्ट इतना मजे का था, एक अंडा मुझे लग रहा है इसके अंदर चूजा भी था। चल झूठा। एक अंडा बाबर भाई भी खाएंगे। आपको देख के मुझे देखे बाबर भाई, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। मैंने तो खाया बत्तख का अंडा, मैं आपको दूंगा डायनासोर का अंडा। इधर आओ भाई। नहीं नहीं मिश्कात भाई। ये रहा डायनासोर का अंडा, ये खा के दिखाया आप। अबे भाई मैंने इनको शो नहीं किया था, लेकिन इतनी घिन आ रही है ना, मतलब अजीब सा मुंह हो गया पूरा। भाई माशाल्लाह से हमारे आ चुके हैं बहुत ही प्यारे शेफ। अरे भाई साहब क्या ले टीको यार, आई मिस यू टू यार। सर तो अभी टर्की क्या कह रहा है? टर्की ये कह रहा है कि मैं तुर्की जाऊंगा। तुर्की जाऊंगा? हाँ। हमारे पेट में नहीं जाना चाह रहा। पेट में जाना चाह रहा है मगर फ्राई होने के बाद फिर। आहा भाई माशाल्लाह से सारा का सारा सेटअप आ चुका है, ये सिलेंडर। अरे भाई साहब आपने क्यों उठा लिया, मुझे दे देना, आप इतने बुजुर्ग आदमी है। माशाल्लाह से चेक करो कितने खतरनाक जानवर है। अरे भाई साहब ये चेक करो कितना खतरनाक किस्म का जानवर है। भाई माशाल्लाह से आप ये चेक करें, ये मैं खड़ा हुआ हूँ और ये बराबर में जानवर खड़ा हुआ है। माशाल्लाह यार। अबे काटने का तो नहीं, आप इसकी हाइट चेक करो यार, कितना ज्यादा लंबा है। ओ सुनो भाई तुम तो नजर भी नहीं आओगे। अरे भाई मैं टहलाऊं क्या? चलाऊं? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आ जाओ आ जाओ। अरे माशाल्लाह, क्या कर रहे हो? माशाल्लाह सामा भाई आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, इसकी टांगों के दरमियान से निकल के दिखाओ। बहुत बातें कर रहा था ना, एडवेंचर, इसको एडवेंचर कराते हैं अभी हम लोग। हाँ भाई स्टार्ट करो। यार इसका ये टकराएगा क्या? ये कुछ भी नहीं टकराएगा, आपको नीचे से झुक के निकलना है। अबे यार उसामा भाई इतनी सी बात है यार, यूं जाओ बस, आगे मेरी फट गई। चले जाओ। ओ भाई साहब, अरे भाई साहब।
आप जो काम कर सकते हो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। अबे यार ये क्या बात है, सामने एडवेंचर करो यार। 1 2 3 रेडी। थोड़ा दो ना यार गैप। नहीं नहीं इसको रहने दो, आज ना इस बंदे को हमें मारना है, समझ आ रही है? ये बहुत शैतानी करता है, इसको बस इस दुनिया से शार्ट करना है। ये जानवर फौरन चढ़ जाना तुम इसके ऊपर, सही है? जबान निकालो ना ऐसी खाना तुम, सही है? चलो भाई। भाई यार उसामा भाई इतने बड़े फट्टू हो गए यार, वो भाई एडवेंचर कर लेंगे। सोनू भाई आप करके दिखाओ। अजी सोनू भाई शादीशुदा नहीं है, कवार है, बेकार बंदे हैं। अगर आपने ये हिम्मत कर ली ना आपकी शादी हो जाएगी। शादी मुझे क्योंकि लड़के इंप्रेस हो जाएंगे कि इतना हिम्मत वाला बंदा, और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। सोनू भाई जल्दी जल्दी। ओ भाई ओ भाई ये चैलेंज किया आपके भाई ने सिर्फ, बाकी सारे के सारे ऐसी बेकार बंदे हैं यार। अब मौलाना साहब को करा है, मौलाना साहब आ जाएं। वैसे आप डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, हूरे मिलेंगी आपको, इतनी प्यारी प्यारी हूरे, 70 हूरे मिलेंगी माशाल्लाह। हाफिज साहब आए ना, देखिए ये दुनिया की जिंदगी आरजी है, सही है? आखिरत की दायमी है। देखिए आप इसके अंदर से निकलिए, हूरों का लालच ना दो, क्योंकि ये जहान में भी कामयाब है, वो जहान में भी। ओ भाई साहब लोग तो लगे हुए हैं बछड़े में, लेकिन हमारे जो शेफ भाई है ना इनको हम भूल गए बिल्कुल। मतलब हमने इतने बड़े बड़े बछड़े देखे हैं ना कि एक बछड़ा हमें नजर ही नहीं आ रहा इतना बड़ा सा। बात तो सही है यार। मतलब भाई कहाँ तक बात पहुँची? पहुँच गई बात ये एंड पे आ गई। और चावल बन गए, चावल माशाल्लाह से। और ज्यादा मेहमान हमारे आ चुके हैं, ये है हमारे काशान भाई। क्या वो मेरे पास उनके डर गया यार? भाई साहब तो भाई काशान भाई एक दफा ना आप कह के दिखा दें, टर्की खाएगा? टर्की खाएगा हमारे बहुत प्यारे मुबीन भाई हैं। मतलब इनको खिलाते हुए भी डर लगता है कि यार मतलब इनको ना इनके टेस्ट बड बड़े खतरनाक है, इनको पता चल जाता है कि कौन सी 2 नंबर चीज है कौन सी 1 नंबर है। ऐसे ही है भाई, टर्की मान गई, मान गई। हमारी टर्की जो ना वो अड़ी हुई थी, बड़ी सख्त हुई थी कि यार मैं अंदर नहीं जाऊंगी, वो टर्की गई हुई थी। लेकिन हमने उसको कहा भाई तुम्हें टर्की नहीं जाना, तुम्हें जाना है तेल के अंदर। तो भाई उस्ताद चेक करो, फुल तेल जो है ना लबालब हुआ है, इसके अंदर 16 किलो तेल डाला है उस्ताद। ए भाई टर्की झांक रही है, टर्की ने सलाम किया मुझे अभी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तेल उछल कर आएगा भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे भाई ये चली गई टर्की अंदर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, टर्की फ्राई होके निकल चुका है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ऐसा लग रहा है सारे के सारे साइलेंट यूट्यूबर आए हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मतलब ना ये भी चुप है, बस की शॉर्ट बना रहे हैं, सारे साइलेंट यूट्यूबर हैं भाई। भाई माशाल्लाह से तीनों टर्की हमारे रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और ये भाई ये क्या है? अरे माशाल्लाह मटका बिरयानी, आहा क्या बात है भाई। ओ भाई माशाल्लाह, ओ भाई साहब बिरयानी। अबे यार आवाज तो निकाले सारे, सिर्फ मैं ही टिक रहा हूं यार। बिरयानी, अरे मटका बिरयानी, ओ भाई क्या निकले अंदर से। चेक करें ये हमारा टोटल खाना और ये इतने सारे अफराद है। अब आप लोग बताएंगे पूरा होगा नहीं होगा। बात सुनो, खाना ना कम है, एक काम करना आप ऑयल पी लेना, सही है? भाई बहुत ज्यादा हमने इंतजार किया, टर्की लेकर आए, फिर जिबा करने का प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस के बाद अब फाइनली वक्त आ चुका है कि टर्की हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अरे माशाल्लाह चावल, मुस्तफा भाई ये क्या है? ये चावल है, मटन वाले चावल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ट्रिपल स्क्वायर के चावल, माशाल्लाह। ये कैटर भाई कासान, कासान ओ माशाल्लाह। डी इडियट्स के लिए, एक डी इडियट्स के लिए, इडियट्स के लिए ये वीडियो इडियट्स के वीडियोस, बेकार फिल्म, बेकार फिल्म, चाइना जमशेद, चाइना जमशेद, चाइना जमशेद। अब ये क्या आ रहा है? ये तुर्की से लाए हैं, तुर्की, ओ तुर्की माशाल्लाह की तरक्की। ओ भाई ये पंच रोड, भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अंदर अंदर भाई फुल मसाला लगा हुआ है। ये टर्की है फार्म, उस कैटल फार्म था। ये क्या है भाई? ये अखरोट लाल वाले, अरे भाई अखरोट, ओ भाई अखरोट से हाथ जल गया भाई का। ये क्या है? कबूतर, कबूतर, कबूतर। क्या है? ये बादाम है, बादाम।
भाई, ओ भाई साहब, सुभान अल्लाह भाई, चेक करें पूरा का पूरा प्लेटर, आहा टर्की प्लेटर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। फाइनली अब वो वक्त आ चुका है कि सारे के सारे लोग खा रहे हैं टर्की को, लेकिन सारे के सारे मम्मी रेडी हैं बाबर भाई की तरह, मतलब प्लेटों में खा रहे हैं। हम खाएंगे डायरेक्ट, मतलब यहीं पे कुर्सी लगाएंगे और इधर ही खाएंगे। ओ भाई ये चेक करो, आपके सामने अगर ऐसा खाना हो तो आपको कैसी फीलिंग आएगी, ये देखो। ओ भाई, ओ भाई, भाई सारे मम्मी डैडी बच्चों ने निकाल लिया, अब बारी है शपाटर लोंडो की। तो भाई 3 2 1 चलो भाई स्टार्ट करो, माशाल्लाह देखते हैं कितनी देर में खत्म करते हो। ये आपके भाई ने लेग पीस निकाल लिया, माशाल्लाह लेग पीस चेक करो आप टर्की का। ओ भाई साहब देखो सामो भाई, एक लेग पीस आपके भाई का है, एक आपके भाई का है, सही है भाई, दोनों भाई है ना यार हम लोग। वैसे उस्ताद अंदर जो ना किशमिश विशमिश की खुशबू आ रही है फुल मजे की, क्रीम श्रीम की यार। सामो भाई एक मिनट यार फील करने दो, आहा माशाल्लाह यार टर्की खा के मजा आ गया भाई। ये सारी की सारी दावत थी फरीद भाई की तरफ से, और इस वक्त हम लोग कैटल पैराडाइज में मौजूद हैं। फरीद भाई माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी 4 शादियां कराए यार, मतलब मैंने दिल से दुआ की है। मेरी बेगम सारे व्लॉग्स देख दिए आपने हैं तो ये हाइड कर देगा ना यार उस व्लॉग में, खैर हो गई। ये आपने बोटी तोड़ी, ये बोटी तोड़ी बड़ी सी, मम्मी डैडी बच्चों की तरह नहीं शपाटर लोंडो की तरह। ये देखो किशमिश विशमिश ली और ये बड़ा सा निवाला। बाबर भाई कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बेहतरीन है, बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग हुई है जो हमने लास्ट टाइम। टर्की के गोश्त के बारे में क्या कहते हैं आप? यार गोश्त और चिकन से थोड़ा सा अलग है जरा, जो हम लोग जब फारी मुर्गी खाते हैं वो तो बल्कि समझ ले ऐसी होती है, यूं डालो फौरन पक के बाहर। इसको पकाने में भी वक्त लगा है, उसका जो गोश्त है वो थोड़ा सा जरा ड्राई है चिकन के मुकाबले में, चिकन के बाद देखें लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया है, जबरदस्त जबरदस्त। आपने कौन सा पीस लिया है, लेग या चेस्ट? चेस्ट पीस है, रूखा वाला। कुछ गीला वाला भी दे दो, गीला वाला ये ले, लेकिन इसमें ये ले गीला वाला, इसकी टांगे थोड़ी कमजोर थी वैसे तो आपको गुजारा करना पड़ेगा। नाजुक से मामला, फीमेल दे दी ना आपको? नहीं नहीं माशाल्लाह कवारी नहीं थी, इनके अंदर से इतने सारे अंडे निकले ना माशाल्लाह से, लबा लब होके अंडे निकले, मैंने जिबा किया था ना। अस्सलाम वालेकुम यार मुस्तफा भाई, बहुत लेट हो गया यार आप। हां यार मैं लेट हो गया, ये देखें चुड़िया चुग गई खेत। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना हो गया, लेकिन अब आपको दिखाने वाले खतरनाक किस्म का करतब, और वो करेंगे ये चाचा। चाचा क्या करने वाले हो आप? चाचा चला रहे हैं भाई पैसेंजर सीट पे बैठ के, मतलब ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेंगे, पैसेंजर सीट पे बैठेंगे। अरे भाई साहब ये देखो ड्राइवर है ही नहीं, मतलब ये चाचा बैठ गए पैसेंजर सीट पे, ड्राइविंग सीट पे कोई है ही नहीं, और अब ये चाचा पीछे लेके जा रहा है भाई। अल्लाह खैर करे, अबे नहीं करो यार नहीं करो, अबे पीछे उस्ताद गाड़ियां चाड़ियां है उस्ताद, बगैर ड्राइवर के जा रहे हैं भाई, बगैर के। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, चाचा पीछे क्यों देख रहे हो? पीछे मत देखो ना, आगे देखो। बस अल्लाह ताला ने बचा लिया भाई, अल्लाह ताला ने बचा लिया, बस चाचा बस सही है सही है। अबे चाचा, अबे ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं है चाचा, अबे भाई स्टीयरिंग पे हाथ भी नहीं रखा हुआ उस्ताद। चलो भाई बेहतरीन जबरदस्त जबरदस्त। ये आ चुका है सबसे खतरनाक वाला जानवर, जो कि अपने ऊपर भी बिठाता है, सर पे भी उठाता है। पिछली बार मैं जानवर में बैठा था, इसके सर पे भी बैठा था और इसके बैक पे भी बैठा था, लेकिन आज ये इतने खतरनाक मूड में, इसकी सिर्फ सांस की आवाज चेक करो। ओ भाई इसकी आंखें देखो कितनी खतरनाक हो रही हैं। माशाल्लाह से यार फरीद भाई क्या खूबसूरत किस्म के जानवर है यार, माशाल्लाह मैंने ऐसे जानवर कहीं भी नहीं देखे। ये चेक करो बिल्कुल सफेद गुलाबी। वैसे भाई अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैं फरीद भाई के सारे जानवर आपको दिखाऊं, तो आप लोग कमेंट करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं कैटल पैराडाइज में आऊंगा और यहाँ पर आपको सारे जो खतरनाक जानवर है और बहुत सारे जानवर हिडन है अंदर छुपे हुए होते हैं, वो निकाल निकाल के मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ओ भाई साहब ये चेक करो फुल भागता हुआ जा रहा है। अबे भाई इतना बड़ा भैंसा लग रहा है ये तो। अरे भाई पूरा ना पीछे का बैक ऐसा हिल रहा है इसका, माशाल्लाह से आप चेक करें यार, बड़े खूबसूरत जानवर है, लेकिन मैं आपको इस व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा, अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। ओए 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 ओए, इस कैटल का सबसे जो खतरनाक जानवर है ना वो दिखाओ। ये है इस कैटल का सबसे खतरनाक जानवर, और इसकी आवाज चेक करो आप, ऐसी आवाज निकाल रहा है भाई। खोल भाई इसको खोल। नहीं भाई क्यों काटेगा, खैर मारने दो। नहीं नहीं अबे क्या हो गया, खोल ना उस्ताद, अबे डर रहा है उस्ताद, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, इधर तो आ तू, इधर कहाँ भाग रहा है? अबे उस्ताद इतना खतरनाक है, यही भाग गया यार। भाई अब सीन होने वाला है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर था वो खुलने वाला है, दो रस्सियों वाला। अरे भाई, अरे भाई खोल दिया खोल दिया, भागो 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 भागो, अबे खोल दिया, अबे खोल दिया, अबे उस्ताद, अबे अबे अबे, अरे भाई, अरे भाई सबसे खतरनाक जानवर आ रहा है, अरे भाई जान सबसे खतरनाक जानवर आ रहा है, अरे भाई जान, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये जो काले जानवर है ना ज्यादा खतरनाक है। तो भाई उम्मीद है आज के व्लॉग में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, अगर मजा आया तो सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।